हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर रेलवे अप्रेंटिस 2023 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले ट्रेड वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है और मेरिट लिस्ट कब तक आने के चांसेस हैं। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट रेलवे अप्रेंटिस से रिलेटेड आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 2018-19 का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, जिसके अंदर आप सभी का जो कट ऑफ है वो 10th बेस पे बनाया गया था, 10th के मार्क्स पे बनाया गया था। इस बार जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो 10th प्लस ITI के मार्क्स पे बनाई जाने वाली है। 10th और ITI के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद यहाँ आपकी जो कट ऑफ है वो बनाई जाएगी। तो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो आप सभी को मैं बता देता हूँ किस तरह की कट ऑफ जा सकती है इस बार। तो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ ट्रेड दिया हुआ है और यहाँ अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पेंटर का, तो जनरल के लिए यहाँ 71 गया है, OBC के लिए 66 गया है। इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हैं हाईएस्ट कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन में जाता है, तो वहाँ 89 गया है जनरल के लिए, OBC के लिए 87 गया है। फिटर का 85, 83, मशीनिस्ट में 87, 86। तो उसी हिसाब से देख सकते हैं सारे के सारे ट्रेड का यहाँ दिया हुआ है। हालाँकि ये जो कट ऑफ है वो 10th बेस पर बनाई गई थी, लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ है ये। इस बार जो कट ऑफ है वो इस कट ऑफ से एक दो नंबर नीचे ऊपर हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो कट ऑफ बनने वाली इस साल वो 10th और ITI के एवरेज पे निकाल करके बनाया जाएगा। तो यहाँ जो आपका जो कट ऑफ है वो इस नंबर के बीच में एक दो नंबर नीचे ऊपर हो सकता है। अगर आपका डाउट है कि आप जानना चाहते हैं कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूँगा। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट कब तक आने के चांसेस। दोस्तों, यहाँ जो मेरिट लिस्ट है वो सितंबर के मिड तक आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसका जो मेरिट लिस्ट है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आया था। तो इस बार जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आप सभी सितंबर मिड तक वेट करिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको तुरंत के तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देख लीजिए, धन्यवाद।